हर दोस्तों कुकिंग लाइव स्विता किचन में आपका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बचे हुए पोहे से बहुत ही टेस्टी ये स्नैक्स रेसिपी, बेहद पसंद आएगी आपको, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। कई बार होता है कि घर में एक्स्ट्रा पोहा बच जाता है, उनसे आप ये ज़रूर बनाइएगा स्नैक्स, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यहाँ पर मैंने ये टमाटो केचप के साथ सर्व किए हैं और बहुत ही खस्ता बने हैं ये, देखिए एकदम बाहर से कुरकुरे और बहुत ही टेस्टी बने हैं। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही अच्छे बने हैं। कई बार होता है कि घर में पोहा बच जाता है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ही पसंद आएंगे, खासकर बच्चों को ये ज़्यादा पसंद आते हैं। इन्हें बनाना बिल्कुल आसान है, तो कैसे बनाए जाते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बचा हुआ पोहा लिया है मैंने, ये कटोरी पोहा है, तो इनसे बहुत ही अच्छे स्नैक्स बन जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले इसका क्या करना है, तो यहाँ पर एक मिक्सी का जार लेंगे हम, मिक्सी के जार में सारा पोहा डाल देते हैं, इसको हमने पीस लेना है। इसमें पानी कुछ भी नहीं डालना है हमने, सिर्फ बेसन डालेंगे इसके अंदर और ढक्कन लगा देंगे और अभी मिक्सी में इसको पीस लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिक्सी में पीस लिया है, बहुत ही अच्छे से पीस गया है, इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं किया है अभी। तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये दरदरा पीस गया है, अभी इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, इतना ही दरदरा इसे पीस लेना है। देखिए अभी इस बाउल में हम सारा निकाल लेते हैं। अभी इसके जो ये एक्स्ट्रा गुठली बनी हुई है ना जैसे, तो इसको हम चम्मच की सहायता से तोड़ लेंगे, देखिए ऐसे। अभी इसमें हम कुछ वेजिटेबल डालेंगे, यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, हरी मिर्च ली है थोड़ी सी, और ये मैंने फूल गोभी ली है जिसको कद्दूकस कर लिया है वो भी डाल दी है, हरा धनिया लिया है कटा हुआ, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, नमक हमने पहले भी जैसे पोहे में डाला था तो नमक आप थोड़ा सा ही कम डालें यहाँ पर, और मैंने लाल मिर्च भी डाल दी थोड़ी सी, थोड़ी सी मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। यदि आपके पास काली मिर्च नहीं हो तो आप इसकी जगह यहाँ पर जैसे चाट मसाला भी डाल सकती हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने 3 से 4 चम्मच इसके अंदर पानी डाला है, पानी इतना डाला है कि हम इसकी जैसे गोल बनाए, कोई भी आकार से बनाए तो अच्छी तरह से बन जाए, तो इसके इतना इसके अंदर पानी डालेंगे। तो अभी अच्छे से मिला लेते हैं, ये देखिए अभी सारे मसाले और जो हमने वेजिटेबल डाली हैं अच्छी तरह से मिला ली हैं। आप चाहें तो इसमें और भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च भी आप बारीक कट करके वो भी आप डाल सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है, अभी यहाँ पर इसकी हम बना लेते हैं, जैसे कोई भी शेप आप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैं इसे ओवल आकार के बना रही हूँ, देखिए ऐसे जैसे टिक्की बनाई जाती है ना आलू की, उस तरह से इसे हम बना लेंगे, देखिए ऐसे बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। कई बार होता है कि बच्चों को छोटी भूख होती है तो आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही पसंद आते हैं बच्चों को ये। तो अभी देखिए मैं दूसरा भी बनाकर दिखाती हूँ आपको, आप इसे किसी भी प्रकार की शेप दे सकते हैं और बना सकते हैं। तो देखिए ऐसे ही हम सारे बनाकर तैयार कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये देखिए ये भी बनकर तैयार है, तो इसे ऐसे ही सारे बना लेते हैं, ये देखिए बहुत अच्छे से बना लिया है। अभी देखिए यहाँ पर मैंने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो अभी चलते हैं गैस की तरफ इन्हें फ्राई करने के लिए। तो यहाँ गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है, तो इसमें हम ऑयल डाल देंगे, कोई भी ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं जो आप खाने में यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने ओलिव ऑयल लिया है, अभी इसमें हम ये डाल देंगे जो हमने ये पोहे की ये बनाई है ना, इसे बना डाल देंगे, आप इन्हें टिक्की भी बोल सकते हैं पोहे की। तो देखिए अभी डाल दी है मैंने, अभी इसे पलट देंगे दूसरी साइड से 2 से 3 मिनट के बाद, आँच को मीडियम लो रखेंगे, उसके बाद देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से इन्हें गोल्डन होने तक पका लेंगे। बहुत ही अच्छी बनती है ये, बाहर से क्रिस्पी सेकेगा इसे आप, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा खाने में। ये देखिए हमने बना ली है एक, तो अभी हम दूसरा बैच भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे, बच्चे भी सारे इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। आप इन्हें बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, बहुत ही पसंद आती हैं बच्चों को। तो देखिए यहाँ पर दूसरा बैच भी हम रेडी कर लेते हैं, अभी यहाँ पर देखिए पलट पलट कर मैंने अच्छी तरह से इन्हें पका लिया, बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आने तक इन्हें पका लेना है,
और फिर इसे निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे ही सारे बना लेंगे। अब ये लास्ट बैच है, इसे भी हम अच्छी तरह से पका लेंगे दोनों साइड से पलट पलट कर, और बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। ये देखिए, और ऐसे ही सारे बना लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये लास्ट बैच है, ये भी तैयार हो गया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे बना लिए हैं, तो चलिए इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये टमाटो केचप के साथ सर्व किए हैं। आप अपनी मनचाही चटनी के साथ इन्हें सर्व कर सकते हैं। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और खाने में बहुत ही टेस्टी है, जैसे बचे हुए पोहे के ये स्नैक्स बनकर तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में ये। इसी तरीके से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको भी बेहद पसंद आएंगे और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।